अजीज दोस्तों नमस्कार स्वागत है प्रोग्राम में आप सबका अजीज दोस्तों भारत के एक ज़बरदस्त ट्रिप एक यादगार ट्रिप ऑलवेज़ मेमोरेबल ट्रिप के बाद वापस लंदन पहुंच गया हूं और वही अब अपनी रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है जारी रखेंगे और जो अपना असल काम है वो करते रहेंगे और ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ करेंगे कि भारत में जो इतना मान सम्मान प्यार मिला वो इसी काम की बदौलत है और यही जो हम सच्चाई का सफर जारी रखे हुए हैं उसके बदले में हमें ये सब हो रहा है शिकवे बहुत हैं बनारस में आप आए और मुलाकात नहीं हुई तो ऐसे कई आप यकीन माने आज सुबह एक मैसेज आया कि सर आप लखनऊ में हैं तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं मैंने कहा भाई मुझे तो अब दिन हो गए लंदन में और लखनऊ में तो नहीं हूँ तो जाहिर है अब इतना बड़ा ट्रिप होता है और बनारस का जो मेरा ओले, ओले, ओ, 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 जो प्लान था ओरिजिनल प्लान वो दो दिन रहने का था लेकिन लखनऊ में कुछ ऐसी अर्जेंसी थी कि हम बनारस पहुँचे पांच बजे शाम को और अगले दिन सुबह पांच बजे हमें निकलना था लखनऊ के लिए क्योंकि लंबी ड्राइव थी बारह बजे हमें लखनऊ पहुंचना था तो सिर्फ बारह घंटे बनारस में रहे जिसमें तीन चार घंटे सोए तो बहुत टाइट शेड्यूल था लखनऊ बनारस में ऐसा से मुलाकात हो नहीं सकी और जो ओरिजिनल मकसद था दर्शन का वो भी जी भर के नहीं हो सका कि बनारस कुछ घंटों की जगह नहीं है बनारस कुछ दिन, दिनों की जगह है मैंने शुरू से ये प्लान में रखा था कि दो दिन कम से कम बनारस में रहूंगा लेकिन नहीं रह सके Uh, अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती समटाइम्स यू रन सर कम स्टांसिस समाइम्स रन यू तो यह है कि पूरा ट्रिप शानदार रहा अनिरुद्ध ज्योति जोबल जी कह रहे हैं कि ऋषिकेश के बारे में बताएं तो किस किस के बारे में बताऊं मैंने भारत में तेईस चौबीस मुख्तलिफ शहरों और गाँव में विज़िट किया है बाकी गुजरे तो कई जगहों से हैं लेकिन वहाँ बाकायदा उतर के लोगों से मिले हैं जगहें देखी हैं वो तेईस से चौबीस जगहें और ये भारत है भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत सबसे ग्रेट महान कंट्री है इसकी एक एक जगह ज़बरदस्त है ऋषिकेश तो आज भी नज़रों में फिर रहा है कि नो no डाउट मैंने इस पूरे ट्रिप में ऋषिकेश जैसी ब्यूटीफुल जगह नहीं देखी इतना साफ सुथरा एक पवित्रता का एहसास उधर हर लम्हे होता था और ऐसा लगता था कि बिल्कुल किसी दुनिया की प्योर तरीन जगह में आए हुए हैं तो ऋषिकेश सच ए वंडरफुल प्लेस ऑल इन ऑल हर जगह गुजरात के हवाले से मेरी एक वीडियो को लेकर लोग ये कर रहे हैं लेकिन गुजरात में मुझे बहुत मान सम्मान मिला बहुत प्यार मिला आजक के हवाले से कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे गांव के हवाले से तो उसके बाद मुझे किसी ने वहीं से एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल वो लोग सिक्युलर टाइप के हैं आजक के लोग और वो हमेशा डरते हैं कि कहीं हिंदू मुस्लिम का मसला ना हो मैं पिछली बार भी जब गया था आज तक तो मुझे पहले से ही सरपंच जी और दूसरों ने कहा था कि भाई साहब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना हम बड़े सुकून में रह रहे हैं तो वो एक तरह से और दूसरा वहाँ पे बीजेपी का वोट नहीं है और वहाँ पे ये अफवाह मेरे बारे में फैलाई गई है कि मैं बीजेपी का हूँ और मुझे आर ने लॉन्च किया हुआ है और ये और वो तो इस वजह से शायद वहाँ के लोग पिछली बार के ट्रिप में नया था तो एक नयापन लगा और उन्होंने मेरा स्वागत किया इस बार शायद अनवेलकम था लेकिन बहरहाल और उस पर मैंने भी फिर मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि जाहिर है जब आपको कोई और कुछ कहे तो ठीक है अपने घर से जब कोई खरा बात मिले ना तो बहुत दुख होता है तो मुझे दुख हुआ तो मैंने आपके सामने चीजें रख दी लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं ना आजक जाऊंगा ना गुजरात जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है और किसी की मतलब मैं वहां पे मेरा और कोई मकसद तो होता नहीं है ना जैसे कि वहां पे इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ये बार बार आ रहा है तो क्या कब्जा करेगा अब इतना सा तो घर है भाई मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि तुम उधर स्कूल खोल दो तुम ये कर दो इतना सा घर है मतलब अब मुझे मीटरों में अंदाजा नहीं है फिट में और मीटरों में कितना होगा लेकिन दो कमरे हैं छोटे छोटे मैं तो ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा हमारा खानदान वहां पर रहता कैसे था इतने से घर में दो कमरों का घर है वो इतना छोटा उसमें स्कूल हॉस्पिटल वगैरह थोड़ी कोई कुछ खुल सकता है और वो किसी और के नाम की जगह है और ना भी हो हो भी तो मैं तो एक पाकिस्तान बोर्न आदमी हूँ मैं भारत में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का तो सोच भी नहीं सकता तो ये है कि मेरा और कोई इंटेंशन उधर है नहीं मैं अपनी पुरखों की आत्माओं से मिलने के लिए जाता हूँ मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पुरखों की आत्माएं वहाँ पे हैं मेरा वेट कर रही हैं मुझसे और मैं बड़ा सुकून से वहाँ पे बैठ के चीजें ऑब्जर्व करता हूँ इस बार मुझे फिर जब दुख लगा ना तो मैं दस से पंद्रह मिनट रुका हूँ आजक में फिर मैंने कहा निकलो यार यहाँ से अब मेरा दिल नहीं कर रहा फिर मुझे कहा गया कि सीता माँ का मंदिर है आजक में सीता माँ के मंदिर मेरा ख्याल है भारत में पूरे बल पूरी दुनिया में दो तीन ही है जिसमें एक हमारे गांव आजक में है तो फिर मैं सीता माँ के मंदिर गया वहाँ पे हाजिरी दी दर्शन किया और फिर वहां से आ, हम निकल गए आजक से तो ऑल इन ऑल भारत का ट्रिप बड़ा जबरदस्त रहा कहीं किसी का कोई शिकवा गिला नहीं है शिकवा गिला हो भी कैसे सकता है <coughs> कि टोटल भारत के लोगों ने मुझे ये ट्रिप करवाया है किसी ने टिकट भेजी कर। कोई इंदौर से टिकट भेज रहा है कोई अहमदाबाद से टिकट भेज रहा है कोई होटलों का बंदोबस्त कर रहा है कोई गाड़ी में लेके घूम रहा है सारा आप लोगों ने किया तो इससे ज्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ दुनिया में कोई भी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इवन मुझे पता चला कि यहाँ पे लंदन में, में मेरे कुछ पुराने इंडियन दोस्त हैं, उनको बड़ा जलन हो रही थी कि यार ये कंगला है हमसे कभी कभी सौ पाउंड उधार मांगता रहता है और इतना लंबा इतना बड़ा और इतना भरपूर ट्रिप किया इतनी जगहों पे किया हर जगह इसको मान सम्मान मिला तो कुछ उल्टी सीधी बातें उन्होंने भी मेरे बारे में की शायद इसको आजक से पैसे नहीं मिले इसलिए आजक के खिलाफ बातें कर रहा है और घटिया आदमी और ये और वो तो मैंने आजक के खिलाफ कोई बात नहीं की मैंने उन्होंने जो बात थी सबके सामने रखी थी और आजक से मुझे ना पहले कभी पैसे मिले ना मैं कभी वहां से पैसे लूंगा मैं अगर अपने गांव को कुछ दे नहीं सकता तो कम अज कम वहां से लूंगा नहीं और मैंने पूरे ट्रिप में किसी से एक पैसा नहीं मांगा किसी से एक मदद नहीं मांगी लोगों ने खुद बढ़ चढ़ के आप यकीन माने इंदौर से मुझे तीन लोगों ने ऑफर की बंदोबस्त करते हैं लेकिन एक साहब ने ऑलरेडी कर दिया था तो मैं किसी से कैसे कहता इसी तरह मुंबई में मैं ऋषिकेश जी के घर पे रहा और बड़ा पीसफुल मुझे वहां पे माहौल मिला उनके घर पे बिल्कुल अपनाइयत वाला माहौल था इतने बड़े सुपर स्टार है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के वहाँ भी मुझे ऑफरें थी होटल की सब चीज की तो इतना सारा कुछ अगर मुझे मेरा भारतीय परिवार करता है तो मैं ना शुक्र हूँ अगर मैं कहूंगा कि कहीं पे कोई कमी रह गई या कुछ है बेहतरीन था हर लिहाज से टॉप था हर इंडिया का आ, इलाका मेरे लिए आ, पवित्र है मैं कानपुर गया मैं लखनऊ गया अयोध्या मथुरा गया मथुरा की रबड़ी में अभी तक मेरे मुंह में वो टेस्ट है और वो रोड साइड जो होते हैं ठेले मैंने पूरे इंडिया में वहीं से खाने खाए मुझे बड़ा कहा गया कि हाइजीनिकली तुम लंदन में रहते हो पानी का ख्याल रखो ये खाने पीने का साफ सुथरी जगहों पर खाओ मैंने हर जगह जैसा खाना जो चीज़ मिली ऋषिकेश की पहाड़ियों में हमने एक रोड साइड पे रेड़ी डाल के एक साहब बैठे थे उनसे हमने पूरी छोले आलू लेके खाए मतलब टोटली आई एंजॉयड इट और बिल्कुल ऐसे अपनी धरती माँ की तरह वहां घूमता फिरता रहा और मुझे कहीं लीगली मॉरली कहीं किसी चीज की रुकावट नहीं हुई कहीं किसी ने तंग नहीं किया कहीं मुझे किसी तरफ से कोई चीज नहीं हुई है मान सम्मान के साथ खाली यात्राओं की बात करें तो टू बिगिन विथ ऋषिकेशन हरिद्वार इसके बाद में मुंबई गया तो मैं वहां पे विनायक जी के मेरे दर्शन हुए इसके बाद मैं मध्य प्रदेश गया वहाँ पे नर्मदा का नर्मदा माँ का जो आरती की महेश्वर में महाकालेश्वर उज्जैन गए वहाँ पे मंगल मंदिर महाकाल मंदिर आ, काल भैरव मंदिर ये सब किए इसके अलावा फिर वहाँ से मैं गुजरात आया गुजरात में तो बेशुमार आ, मेरी यात्रा हुई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ द्वारका हुआ सोमनाथ हुआ कई छोटे छोटे मंदिर जैसे मुझे मुन्ना भाई गुजरात में लेके घूम रहे थे तो एक जगह उन्होंने कहा यार ये मेरा फेवरेट मंदिर है मैं जब भी यहाँ से करीब आता हूं तो मैं इसमें जरूर हाजिरी देता हूँ वहां पे गए बे, बेशुमार वहां पे यात्रा की फिर आ जाए टॉप ऑफ द लिस्ट आपके यूपी टू बिगिन विथ मथुरा फिर काशी विश्वनाथ अयोध्या जो कि मेन ट्रिप का ओरिजिनल uh, रीज़न uh, था जो भारत आने का तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप अजीज दोस्तों शुरू में एक साहब ने मैसेज किया था कि आप बताइएगा डिटेल में कि बलोच इशू पे हम लोग किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो देखें मामला ये है कि बांग्लादेश जब बन रहा था ईस्ट पाकिस्तान तो 1948 से बंगाली स्ट्रगल कर रहे थे और 1970 के इलेक्शन जो पाकिस्तान में हुए थे इसके रिजल्ट को लेकर फिर जो वहाँ पे सिविल वार शुरू हुई तो बंगालियों का जेनोसाइड हुआ लाखों औरतों का रेप हुआ लेकिन बंगाली अपनी स्ट्रगल में कामयाब नहीं हुए जब तक के भारत ने इंटरविन नहीं किया तो ये भी बलूचिस्तान का मामला ऐसा ही है कि इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान की इतनी भरपूर फौज है चौबीस करोड़ के देश के रिसोर्सिस हैं उससे वो बलोच मूवमेंट को क्रश कर रहा है लेकिन बहादुर बलोच अभी तक मुकाबला कर रहे हैं और बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और आर्मी का बाजा बजाया हुआ है इन्होंने लेकिन इसमें भी कई इंटरनेशनल फैक्टर्स आते हैं एक तरफ चाइना ने ग्वादर पोर्ट ली हुई है चाइना ने पूरे बलोचिस्तान में सीपेक डाला हुआ है चाइना का अपना इंटरेस्ट है फिर ईरान ईरान को यह डर है कि अगर पाकिस्तान का बलूचिस्तान आजाद हो गया तो फिर वो ईरान का सिस्तान, है जो उसको आजादी के लिए वो करेगा तो ईरान एक तरफ उसके खिलाफ है दूसरा यह है कि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान के हवाले से है अभी अमेरिकन एम्बेसर दो महीने पहले पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का तफसीली विजिट करके आया है तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट की वजह से भी जैसे कुर्दिस्तानियों का मसला है वैसे ही बलोचिस्तान का है तो इसमें इंडिविजुअली हम तो सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं हम लोग कोई उसको वायोलेंस को प्रमोट करने वाले लोग तो है नहीं हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं दूसरा वो जो बलोच मिसिंग पर्सन हैं उनकी फैमिलीज़ की सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं अगर किसी के पास कोई आइडिया हो इस हवाले से तो मुझे ईमेल करें हम मैं बलोच ग्रुपों के सामने वो आइडिया रखूंगा जैसे कोई फंडिंग का कोई सिस्टम बन सकता है या कुछ है तो हम उसको बिल्कुल प्रोमोट करेंगे ताकि वहाँ पे जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी फैमिलीज़ की हालत बहुत ख़राब है और फिर दूसरा ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं जैसे डॉक्टर महारंग बलोच का इस वक्त चल रहा है उसमें हज़ारों औरतें बच्चे सड़कों पे इस्लामाबाद कोयटा कराची लाहौर के प्रेस क्लब पे बैठे होते हैं तो है उनका खाना पीना मौसम के हवाले से चीजें शेल्टर चाहिए कंबल चाहिए गद्दे चाहिए तो यह है कि ये सब चीजों के लिए हमें अगर कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो उस पर हम कोई फंडिंग के हवाले से वो चीज कर सकते हैं बाकी तो हम अपनी सरकारों को जो अमेरिका में बैठे हैं वो अमेरिका की सरकार को जो यूके यूरोप के कंट्रीज में रहते हैं वो अपनी सरकारों को अपने मेंबर्स पार्लियामेंट्स को अपने सेनेटर्स को अपने कांग्रेसमैन को और जो भारत में रहते हैं वो अपनी सरकार को अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपनी असेंबलीस को अपने मीडिया को इन सब को भरपूर तरीके से अगर एक कैंपेन चला सकते हैं हम तो बलोचों की बड़ी मदद होगी सरमद जी अरे सर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं हैं, आप प्लीज आंसर देखें पाकिस्तान का फ्यूचर तो नो डाउट के पाकिस्तान का टूटना है पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई कितने भी कोशिश कर ले उसको थोड़ा लंबा कर सकता है लेकिन आफ्टर ऑल इसने टूटना है तो आर्टिफिशियल स्टेट बनी थी देखें जब कोई आर्टिफिशियल स्टेट बनती है ना तो उसके यही नतीजे होते हैं जैसे कि अंग्रेजों ने इंडिया से काट के ये जो पांच इलाके थे बंगाल और सिंध के पी के और पंजाब इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल एक नाजायज़ रियासत बनाई ठीक है ऐसे ही योगोस्लाविया बनी थी क्रोशिया बोस्निया, सरबिया मसदोनिया इस टाइप की छः सात इंडिपेंडेंट स्टेट्स को मिला के एक बनाई गई इसी तरह लेनिन ने बनाई थी सोवियत यूनियन, के जिसमें मेन तो रशिया ही था ना बाकी या यूक्रेन जॉर्जिया उजबकिस्तान ताजिकिस्तान काजकिस्तान तुर्कमेनिस्तान पता नहीं क्या क्या रियासतें थीं उनको मिला के एक बनाई नतीजा क्या निकला दोनों भरपूर मिलिट्री पावर थी लाइक पाकिस्तान लेकिन एंड ऑफ द डे उनको टूटना पड़ा क्योंकि एक आर्टिफिशियल मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ पीपल का वो बनाए आप एक अलायंस और एक कंट्री बनाए उसमें एक मेजोरिटी हो जैसे कि युगोस्लाविया में सर्बियन थे और सोवियत uh, यूनियन में रशियन थे तो बाकी जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो सिक्योर्ड फील नहीं करते फिर उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं कि रशिया डेवलप कर रहा था बाकी स्टेट डेवलप नहीं कर रही थी सर्बिया डेवलप कर रहा था बाकी स्टेट डेवलप नहीं कर रही थी बाकी स्टेट ये फील करती थी कि हमारे रिसोर्सिस को लूट के जो मेन पावरफुल वो है यूनिट उसको डेवलप किया जा रहा है फिर खाली डेवलपमेंट की बात नहीं होती से की बात होती है कि आपका कितना से है गवर्नमेंटल डिसीजन में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल ले लें पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने पंजाब की माइट पे हमेशा टेररिज्म को प्रोमोट किया अफगानिस्तान भारत ईरान वगैरह में टेररिज्म करती रही ये बलोचों की सिंधियों की पख्तूनों की पॉलिसी नहीं है पखतून एक ज़माने में थे अलाइन उनके पंजाबियों के लेकिन आज पखतून इससे ख़िलाफ़ है तो ये चीज़ें फिर मैटर करती हैं पाकिस्तान छोटे प्रोविंसेस की पंजाब जो है वो रिसोर्सिस की लूटमार करता है और फिर गवर्नमेंटल फैसले जो कि उनकी एस्पायरेशंस के ख़िलाफ़ हैं वो फैसले किए जाते हैं तो ऐसे में फिर उस स्टेट का उस रियासत का उस कंट्री का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है और जैसे पाकिस्तान में लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है तो उर्दू थोपी गई है उर्दू पाकिस्तान में छः सात परसेंट लोगों की भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है इवन मुहाजरों में भी अब जैसे हम हैं हम लोग मेमन घर में बोलते थे मेम नहीं बोलते थे फा, फादर मदर की एजुकेशन गुजराती में हुई थी तो हम लोगों का जो कराची में आपको मिलेंगे गुजराती स्पीकिंग बोरी हैं आगा ख़ानी हैं और हम मेमन लोग हैं लाखों मेमन हैं कराची में तो क्या ये सब उर्दू स्पीकिंग में थोपे गए हैं जो कि उर्दू स्पीकिंग नहीं है तो उर्दू तो हार्डली चार पाँच परसेंट लोगों की नेशनल लैंग्वेज अपनी मदर लैंग्वेज है तो उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया हुआ है तो फिर कल्चरल आइडेंटिटीज का क्लैश आता है इन सारी चीजों के उस पर पाकिस्तान का फ्यूचर है ना वो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान देर इज नो फ्यूचर फॉर पाकिस्तान ध्रुव ज्योति राय जी सर बी एल ए इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है अगर इंडिया तैयार भी हो जाता है तो ईरान नाराज हो जाएगा जी ये सब चीज़ें हैं ईरान को कन्विंस करना होगा कि बलोच आपके किसी प्रोविंस को वो नहीं करेंगे और ईरान को बलोचों के साथ बैठना होगा पाकिस्तान के बलोच जो ग्रुप्स हैं बी एल वगैरह उनके साथ बैठ के कोई एग्रीमेंट बनाना होगा लेकिन उसके लिए भी ईरान को भी कुछ करना होगा इसलिए कि ईरान के बलोचों के ऊपर भी अत्याचार तो हो रहा है तो ईरान भी तो अपने बलोचों को राइट्स तो दे आज बी एल ए है कल कोई और है जो भी है लेकिन ईरान के बलोच भी तो आफ्टरऑल जब आप राइट नहीं देंगे जब आप इन पर अत्याचार करेंगे तो वो उठेंगे तो ये ईरान को भी समझाने की जरूरत है कि आप पाकिस्तानी बलोचों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें एक एग्रीमेंट करें और अपने बलोचों को राइट दें तो फिर कोई पागल है जैसे अफगानिस्तान में भी तो बलोचे हैं बलोच आर है, डिवाइडेड बिटवीन अफगानिस्तान ईरान एंड पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के बलोच क्यों आवाज नहीं उठा रहे इसलिए कि वो कह रहे हैं हमें पूरे राइट्स मिले हुए हैं जितने दूसरे अफगानियों के राइट्स हैं उतने ही हमारे राइट्स हैं हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा कोई एक्स्ट्रा डिसअपीयरेंस ये सब चीजें नहीं हो रही तो वो क्यों आजादी नहीं मांग रहे तो फिर आप राइट्स देंगे तो मसला नहीं होगा कपिल सालवे जी सर आठ को इलेक्शन है पाक में ये वोट कैसे है सर? ये होते कैसे हैं सर प्रोसीजर जो होते ही हैं कि पोलिंग बूथ बने हुए होते हैं अब जैसे मैं कराची में जमशेद टाउन में रहता हूँ तो मेरा वोट जमशेद टाउन के मेरे इलाके के पोलिंग बूथ में होगा मैं सुबह लाइन में लग के पोलिंग बूथ में लाइन में लग जाऊँगा वोट देने जाऊंगा वो मेरे हाथ पे इंक लगाएगा जैसे भारत में होते हैं सेम इसी तरह के प्रोसीजर है लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ यह कि वो डब्बे बदल जाते हैं और इस हद तक रेगिंग होती है कि आर्मी ने जिसको जिताना है उसने ही जीतना है वोट के बुनियाद पर पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक बार इलेक्शन हुआ है वो 1970 का पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ 1970 का हुआ था और उसका नतीजा पाकिस्तान टूट गया इसके बाद आर्मी ने फैसला किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हम करवाएंगे नहीं आर आर रेडी सर वो वॉट यू एब्जर्व इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जी डी पी पीपल हिंदू रिलीजन फ्यूचर ऑफ भारत एंड इश्यूज दैव टू डी इन फ्यूचर भाई इस पर तो मैं कई घंटों का प्रोग्राम कर सकता हूँ इतना बड़ा सवाल है लेकिन ऑल इन ऑल भारत है न वो एक बहुत ही ऊपर की तरफ सफ़र तो इसका शुरू हो गया है देखें एक चीज़ है क्या अमेरिका का कंपैरिजन लोग करते हैं चाइना का कंपैरिजन करते हैं लोग भारत से अमेरिका है ना आज से 400 साल पहले कुछ भी नहीं था वहाँ के नेटिव जो रहते थे वहाँ पे लोग वो थे जब ये यूरोप से भर भर के जाने शुरू हुए अमेरिका उन्होंने नेटिव का आम किया अब इनके पास लंबी चौड़ी हरा भरा अमेरिका था जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया और एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ आप अमेरिका में रोड के नक्शे देख लें मुख्तलि शहरों के तो क्रॉस यूं स्क्वायर्स बने हुए हैं यानी बाकायदा प्लानिंग से हुई है लंदन में ये प्लानिंग इसलिए नहीं हो सकती कि यूं रोड हैं यूँ रोड हैं है, बीच में बिल्डिंग है तो यूं कट रहा है यूं कट रहा है इसलिए कि पुराने शहर हैं पुराने मुल्क हैं यही इंडिया एक पुराना मुल्क है एक बना बनाया मुल्क अमेरिका एक नए सरे से प्लानिंग के साथ डेवलप हुआ फिर खुला ढुल्ला अमेरिका पूरा था इसको कब्जा करके इसके रिसोर्स वहाँ पे गोल्ड माइंस थी वो सारी चीज़ें थी अमेरिका ने डेवलप किया फिर पूरी दुनिया के दिमाग वहाँ पे पहुँचे थे ख़ास तौर पे गोरों के उन्होंने वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करके डेवलप किया ये किया वो किया यही चीज चाइना का है कि चाइना एक पुरानी एक कंट्री थी और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के बाद वहाँ पे इन्वेजन नहीं होते थे मंगोलों ने शायद एक एक इन्वेजन किया है बाकी वहां पे मिंग खानदान ने पांच हजार साल हुकूमत की है तो ये पुरानी स्टेट्स हैं जो के बाहर के असर से खराब नहीं हुई भारत इनके मुकाबले में एक पुरानी डेवलप्ड स्टेट थी जो साइंटिफिकली वाइज फिर दौलत के हवाले से एक अमीर स्टेट कंट्री था उसके ऊपर जब इन्वेजन हुए और एक हजार साल तक होते रहे तो वो सारा सिस्टम खराब हो गया एक खराब की हुई चीज़ को सुधारने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है अगर 47 में आपके पास एक ऐसी विजनरी लीडरशिप होती तो फिर शायद आज भारत अमेरिका चाइना को पीछे छोड़ चुका होता लेकिन आपके पास विजनरी लीडरशिप नहीं थी उनके मकसद अपने खानदान की बका होती थी बाप मर गया तो बेटी आई बेटी मर गया तो बेटा आया बेटी बेटा मर गया तो फिर उसका बेटा दस साल तक हुकूमत करता रहा एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बना के और अब भी वो स्ट्रगल कर रहा है तो ये खानदानी स्ट्रगल्स हैं जो कि भारत में चल रही थी मेरी नज़र में तो भारत आज़ाद ही 2014 में हुआ है तो 2014 से आप स्टार्ट करें ना तो भारत वंडरफुल डेवलपमेंट है बाकी डिटेल में इस पर एक पूरा पूरा प्रोग्राम हो सकता है खराबियां हैं भारत में नो डाउट अबाउट इट जैसे कि कल मैं एक लिस्ट देख रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक के मसले कहां पे हैं? में। जो टेन है ना उसमें चार इंडिया के सिटीज थे मुझे इंडिया की सबसे बुरी चीज लगी ट्रैफिक को आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप सिविक सेंस के साथ ट्रैफिक सेंस के साथ गाड़ियां चलाएं अब मैं गा, गाड़ी में ऑटो में कहीं भी जाता था तो मैं देखता था कि जिसको जहां खाँचा मिला घुस गया कोई रूल्स नहीं कोई कुछ नहीं ये चीज़ें हैं जो भारत में कुछ लेवल को कंट्रोल करना होगा जैसे मैंने आज सुबह कल सुबह की अपनी अयोध्या की वीडियो में बताया कि लोग छुपा के मोबाइल लेके गए हैं और अंदर मंदिर में वीडियो बना रहे हैं ये वो इतना इसको हम सॉरी टू से ऐसा ऐसे लोगों को मैं स्मार्ट नहीं कहता ऐसे लोगों को मैं ऐस हॉल कहता हूँ इसलिए क्या ये अब स्मार्टनेस नहीं है ये तो हम भी नीचे जो मौजों में छुपा के ले जाते हैं कैमरा तो ये सरकार एक रूल बनाती है ना आप उसको फॉलो करें चाहे वो ट्रैफिक है चाहे कहीं और है अब अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वहां जा कर वीडियो बना रहे हैं सरकार ने रूल बनाया है ना क्या आप सोमनाथ में या अयोध्या में या कहीं पे मंदिर में आप नहीं लेके जा सकते इसलिए कि आपके मंदिर टारगेट हैं सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ ना करें लेकिन आप मजे से वो रूल को तोड़ रहे हैं तो ये भारत में मैंने देखा है इंदौर में मुझे सफाई का इतना वो नजर आया कि मैं सिगरेट नहीं पी सकता था रास्ते में मुझे मेरे दोस्त जो थे मेरे साथ वो मुझे कहते थे कि नहीं आपको हम कोई खांचा बताएंगे फिर कहीं कोई कचरे का डब्बा कोने में होता था वहां पे मुझे कहते थे यहाँ खड़े होकर पी लें और कचरे के डिब्बे में वो फेंकिएगा है ना भारत पूरे में क्यों नहीं हो सकता ये लेकिन हम कोला का कैन पियेंगे उधर ही फेंक देंगे पान की पीकें फेंकेंगे तो फिर हम अगर अपने देश को साफ सुथरा नहीं रखेंगे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो खराबियां छोटे मोटे है लेकिन एजुकेट हो रही है नेशन एजुकेट हो रही है वो जो मसले हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम दलित ब्रमिन ये वो कुछ भी नहीं है छोटा मोटा एक कोई वाक्य हो जाता है ना इसको सोशल मीडिया पर इतना हाइप पे ले जा, जाया जाता है इतना एक्सप्लोइ किया जाता है अदरवाइज ऐसा मैंने तो कोई पौने दो महीनों में कुछ नहीं देखा मुसलमानों के साथ भी मैंने सफर किए हैं हिंदुओं के साथ भी सिखों के साथ मुझे कहीं कोई मसला नजर नहीं आया मैंने कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं किया इवन के मुझे कहा गया कि चांदनी चौक दिल्ली में नहीं जाओ यार नहीं जाओ मुझे जाना था मैं दो बार गया और मैंने कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं किया तो ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पे भारत है वो डिफरेंट है रियल भारत इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल सर डू यू हैव प्लान्स टू ज्वाइन बीजेपी इन फ्यूचर फॉर बिल्डिंग ए बेटर इंडिया मुर्गा मटन भाई मुर्गा साहब बात यह है कि मैं इंडियन नेशनल नहीं हूं भाई और मैं इंडियन ओरिजिन का भी ऑफिशियली नहीं हूं असल में हूं लेकिन ऑफिशियल सिचुएशन ये यह आए मे पाकिस्तानी बोन जिसको बहुत मुश्किल होती है इंडियन उसके लिए तो मैं बीजेपी कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ ना तो मेरा कोई वोट है ना कोई ऐसा कुछ है तो मेरा तो बीजेपी ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता बीजेपी क्या मैं इंडिया की कि कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी चीज को ज्वाइन नहीं कर सकता मुर्गा मटन all bordering neighbors of india are its enemies pak bangladesh china myanmar etc what should be india's foreign policy to safeguard from a hostile neighborhood nahi 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 i doubt i doubt uh, bangladesh ko nahi myanmar ko nahi chote mote religion के हवाले से issues हैं लेकिन दुश्मन आप नहीं कह सकते ना मालदीव्स को कह सकते हैं ना श्रीलंका भूटान नेपाल को चाइना और पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो एक घटिया दुश्मन है ठीक है और उसका फैसला तकरीबन हो चुका है और इंडिपेंडेंट सिंधु देश आजाद बलोचिस्तान भारत के बॉर्डर पे होंगे गिलगित बल्तिसान पीओके के पास होगा तो भारत का वेस्टर्न साइड तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा साफ सुथरा हो जाएगा अब एक चाइना है तो चाइना के साथ आपको एक बात जहन में रखनी होगी कि यू कैन नॉट चेंज नेबर्स ये चाइना को भी सोचना होगा और मैं समझता हूं कि जंग कभी भी चाइना भारत की नहीं होगी क्योंकि 62 में चाइना को पता था कि भारत के पास एक कमज़ोर पॉलिटिकल लीडरशिप है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है लेकिन कमज़ोर पॉलिटिकल लीडरशिप है तो उसने कर दी थी अब भारत वो भारत नहीं है ये चाइना को भी पता है भारत की और चाइना की अगर जंग होती है ना तो इसका कोई फैसला नहीं होगा कुछ अरसा जंग होने के बाद जंग बंदी हो जाएगी दोनों तबाह हो जाएंगे मतलब तबाह से मतलब इकोनॉमिकली 25-50 साल पीछे चले जाएंगे तो ये बेवकूफ़ी ना चाइना करेगा ना भारत करेगा दोनों के डेमोग्राफी के हवाले से देखें तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से ट्रेड के हवाले से दोनों बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों में कोई सेटलमेंट तो होगा वेंकट जी आप अरे आर पीपल ऑफ पीओके प्रोटेस्टिंग टू ज्वाइन इंडिया पीपल ऑफ पीओके एंड गिलगित आर प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्टिंग सिंस मेनी वीक्स लेकिन वो पाकिस्तान से अब आजादी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद ज़ाहिर है इनका मिलना पीओके और लद्दाख से ही होगा कल पाँच फ़रवरी है पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाँच फ़रवरी को प्रोटेस्ट करवाता है इंडिया के खिलाफ एक जबरदस्ती का कश्मीर डे नाम रखा हुआ है पाँच फ़रवरी का जबकि पाँच फ़रवरी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं मैंने अभी एक जब, पूरी इस पर वीडियो बनाई है पाँच फरवरी पे वो कल सुबह इंडिया टाइम नौ बजे ओपन हो जाएगी मैं एडिटिंग करके अभी ओपन पोस्टिंग कर दूंगा तो सुबह नौ बजे उसको ओपन करेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि क्या चीज है देखें पूरे दुनिया में पाकिस्तान के लोग एम्बेसी की इंस्ट्रक्शंस पे इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट करते हैं हर साल पांच फेबर को इस बार कहानी बदल गई है इस बार पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग बर्मिंगहम लंदन और पूरी दुनिया में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में शटर डाउन हड़ताल हर, की कॉल आई है और वहां पे गली कु हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल पीओके बल्तिस्तान के लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब देखते हैं कि यार कहाँ हमारा कश्मीर मैंने अभी आ, एक घंटे पहले एक ट्वीट की है जिसमें मैंने दो जगहें बताई हैं एक श्रीनगर का लाल चौक की वीडियो है एक मिनट की आधे मिनट की और आधे मिनट की वीडियो गिलगित बल्तिस्तान की है अब जो कश्मीरी ये बैठ के देखता है कि श्रीनगर के लाल चौक का हाल देखें आप यूरोप के लेवल का डेवलपमेंट है और उनका देखें पीओ के गिलगित बल्तिस्तान तो वो फिर कहते हैं कि यार ये भी तो हमारा कश्मीर था तो इसको भारत ने कहा पहुंचा दिया और पाकिस्तान ने हमें कहाँ पहुंचाया तो अब वहां पे एक मूवमेंट तो चल पड़ी है कल्याण भाई नमस्कार सर इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वाज एक्सटेंडेड फॉर एट डेज बट इट स्टार्टेड अर्लियर फ्रॉम दैट इन कोलकाता व्हेन वेयर बांग्लादेश एक्साइल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। व्हाई इंडिया गवर्नमेंट नॉट अलाउड टू बलोच टू एग्जाइल गवर्नमेंट भाई कल्याण भाई आपका ये सवाल तो नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट को होना चाहिए क्योंकि मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता कि इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है क्यों बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल नहीं बना रही कुछ ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी बनाई हुई है और सब कुछ है लेकिन वो इनके जेब भरने वाली कहानियां हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की और वो नायला कादरी की उनकी जेब भरने से उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस वक्त जो बलोचिस्तान में भरपूर जंग का है उसमें नैला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाती है तो वो अब क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो आई डोंट नो बाला सुब्रमण्यम जी नमस्कार आरिफ जी नमस्ते आप कहा रहे थे आप कह रहे थे कि पीओके वापस भारत में जम होगा पर अभी तक कुछ होता हुआ देख नहीं रहा आपका क्या कहना है भाई मैंने ये थोड़ी कहा था कि इतनी जल्दी भी हो जाएगा यू नेवर नो एक झटके की बात है लेकिन लेट सी कब होता है लेकिन यह है कि होना तो है और थोड़ा टाइम लगेगा मैंने आपको बताया जैसे बलोचिस्तान का कैसे ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का केस है कि इसमें भी इंटरनेशनल पावर्स की इंटरवेंशन है गिलगित बल्तिस्तान से चाहे पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए चाइना से बॉर्डर मिलता है ज़मीन का अगर गिलगित बल्तिस्तान भारत के पास चला गया तो चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलेगा इसी तरह भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से वाया गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर मिलता है तो भारत के पास गिलगित बल्तीस्तान आने से कितना जबरदस्त जियोग्राफिकल डेवलपमेंट होगा भारत को एडवांटेज होगा तो ये सब चीजें हैं तो उसमें फिर अमेरिका की भी कुछ पॉलिसीज हैं चाइना है तो लेट्स कब होता है होना तो है भाई हसमुख विनीत पाठक जी सर उन मुस्लिम्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस बात को हमेशा खारिज करते हैं कि ज्ञान व्यापी ईदगाह और बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़ के नहीं बनवाया गया है जबकि सारी प्रूफ्स और उनको मैं क्या कह सकता हूँ जो सच्चाई को नहीं मानते भाई मतलब आप उस मुसलमान को क्या कहेंगे जो ये कह रहा है कि कुरान ने कहा है कि जमीन चपटी है और घूमती नहीं है अब उनको आप क्या कहोगे क्योंकि उनके इधर भूसा भरा हुआ है उनके जहन में यह है कि जब कुरान ने कह दिया तो दुनिया भर के साइंस कह देना ये नहीं मानेंगे तो इनको आप क्या कहेंगे जिनको अच्छी तरह पता है कि ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है मंदिर है मथुरा में मस्जिद नाजायज है बाबरी मस्जिद नाजायज थी इनको आप समझाकर समझा कर कुछ भी नहीं कर सकते कल्याण जी सर ड्यूरिंग योर इंडिया विजिट पाकिस्तान जियोपोलिटिकल टर्मोलो टर्मोइल एक्सेलरेटेड सडनली वेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स इंक्रीजिंग ईरान एंड अफगानिस्तान जस्ट वेटिंग फॉर द पाक मिलिट्री एट द बॉर्डर हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था लेकिन बहरहाल ये सवाल तो नहीं है न कार्गो क्रू सर है पाकिस्तान मस्जिद में मैं अंदर तो किसी में नहीं गया मथुरा में मैं मस्जिद के बिल्कुल नीचे खड़ा था काफी देर तक बैठ के सोचता रहा काशी विश्वानाथ में मैं दूर से क्योंकि वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ था मस्जिद वाला तो दूर से मैंने मस्जिद देखी जरूर इसी तरह जामा मस्जिद के पास भी काफी देर तक खड़ा रहा जब मैं चांदनी चौक गया था दिल्ली में सोमनाथ में मैंने कई मस्जिदें देखी तो मस्जिदें तो मैंने हर जगह देखी दूर से अंदर जाने का तो मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता ना क्योंकि मुझे जब पिछली बार जब मैं इंडिया आया था तो मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त ने मैसेज किया था कि इतने मंदिरों में गए गुरुद्वारे में गए तो तुम मस्जिद में क्यों नहीं गए तो मैंने कहा कोई जायज़ मस्जिद हो तो बता दो तो मैं उसमें भी जाने को तैयार हूँ लेकिन दूसरी बात भी है कि किसी मस्जिद में जाने के लिए मुझे कोई गारंटी देगा कि मेरा सर तन से जुदा नहीं हो जाएगा क्योंकि इन चीजों के बाद मैं तो इनकी नज़र में काफिर हूँ ना तो एक मुसलमान जब मुर्तद हो जाए काफिर हो जाए तो उसकी सर सजा सर तन से जुदा है तो कोई गारंटी देता है कि मैं जामा मस्जिद दिल्ली में जाऊंगा वहां से मैं मेरी लाश वापस नहीं आएगी तो ये है मैं मस्जिद तो मैं भारत में क्या मैं कभी यूरोप में नहीं दिया मस्जिद में भाई कल्याण जी सर वॉट इज यन अबाउट गिलगित बल्तिस्तान वेर चाइना एंड यूएसए टू पावर्स प्रेजेंस चाइना इंटरवीन बाय सी अदरवाइज यूएस आल्सो ऑल्सो स्टेशन एट्स कर दू एयरवेज दू विल बी क्रिटिकल इन फ्यूचर जी कल्याण भाई अभी मैंने गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के हवाले से सुब्रमण्यम जी के सवाल का जवाब दिया था वही पूरा है जवाब श्रवण कुमार मुज्जू इंडिया के अगेंस्ट क्यों है मुज्जू क्या होता तो मुझे भी नहीं पता मुजू मुर्गा मटन इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र हाउ शुड इट लुक लाइक देखें हिंदू राष्ट्र विल बी ए सेक्युलर राष्ट्र एक सेक्यूलर स्टेट को आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं इसलिए कि हिंदू सनातन फिलोसॉफी सेक्युलर तो यह है कि भारत का सेक्युलरिज्म करेक्ट हो जाए ना सेक्युलरिज्म लाइक यूएसए एंड यूरोप आ जाए ना हिंदू तो राष्ट्र मैं जवाब देना अपना पूरा बचपन सऊदी अरब में गुजारा है अरबिक स्कूलों में पढ़ा हूं सात हज किए हैं सैकड़ों उम्रे किए हैं एहतका रमजान में किए हैं मेरे भांजे और भतेजे हाफिज ए कुरान है मैं तुम जैसे जाहिलों की बात नहीं कर रहा मैं किसी बड़े मुफ्ती को लेकर आऊ मैं उसके साथ मुनाजरा करने को तैयार हूं कुरान के ऊपर बात करते हो पूरा स्टडी किया है कुरान और जिस कुरान की तुम बात करते हो ना वो कुरान भी जेन्यून नहीं है 1913 में छापा है जामिया अजहर ने 50 किस्म के कुरान उनके सामने लाए गए थे उसमें इन्होंने सिलेक्ट किया है बात करते हैं कुरान की चाह I wish millions of Arif Ajakya uncle type persons will born in भारत धन्यवाद बिटिया थैंक यू वेरी मच बिटिया अजीज दोस्तों मेरा ख्याल है आज का सेशन यहां पे वाइंड अप करते हैं श्रवण कुमार सर मालदीव्स प्रेसिडेंट मजू को का क्या अंजाम होगा बेचारे से गलती हो गई यार अब ठीक है अब क्या है कि उसका इम्पीचमेंट तो हो रहा है सुना है कि इसकी अपनी पार्टी के काफ़ी लोग अपोजिशन के साथ मिलके इसका क्रियाक्रम कर रहे हैं और मालदीव हजारों माइल दूर चाइना के साथ अच्छा रहेगा कि भारत के साथ अच्छा रहेगा मजहबी तौर पे मालदीव हंड्रेड परसेंट मुस्लिम कंट्री है तो मिलियंस ऑफ मुस्लिम भारत में भी रहते हैं Of millions. तो फिर डेमोग्राफी कल्चर कलर रेस सब चीज़ें मालदीव की भारत से मिलती हैं फिर भारत की वजह से इसकी ट्रेड वगैरह टूरिज्म वगैरह भी होती है तो मालदीव के लोगों को भी पता है कि इनका फायदा चाइना नहीं भारत है फिर चाइना एक बदमाश स्टेट है जो अपने फायदे के लिए मुख्तफ मुल्कों का बेड़ा गर्क करती है तो लेट्स कार्तिक राज जी का आखिरी सवाल ले लेते हैं सर आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आप नेपाल में क्यों नहीं बस जाते कम पैसों में रह सकते हैं आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो नेपाल में इंडिया जैसी फीलिंग आएगी हिंदू के साथ रहने पर थैंक यू वेरी मच कार्तिक जी बात यह है कि मैं भारत नेपाल बांग्लादेश कहीं भी नहीं रह सकता मैं वहाँ रहूँगा जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं मेरे बच्चे यहाँ यूरोप में पैदा हुए हैं यहीं पले बढ़े हैं यहीं एजुकेशन हासिल किए यहीं अब एक ने जॉब भी शुरू कर दिए बाकी भी यहीं का फ्यूचर है जहाँ ये रहेंगे वहाँ पे मैं रहूँगा और आना जाना लगा रहा यही बहुत है दो साल में दो ट्रिप हुए ना मतलब 2022 में मैं आया अब 2024 में आया तो सही है दो दो साल के गैप से अगर मुझे भारत का विजिट होता रहे तो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता रहेगा अपनी मातृभूमि को विजिट करके लेकिन थैंक यू अगेन नेपाल भूटान बहुत खूबसूरत धरतियां हैं और कभी मौका मिला तो मैं विजिट ज़रूर करूंगा तो अजीज दोस्तों ये था आज का आपके साथ लाइव सेशन अब हम अगले हफ्ते से संडे को ही लाइव प्रोग्राम क्या करेंगे और कोशिश होगी कि कोई गैप ना पड़े ये लक्ष्मण बिश्नो सर प्लीज रिप्लाई रिप्ले ये कौन सी चीज का रिप्लाई मांग रहे हैं लक्ष्मण जी कौन सा ऐसा मिस हो गया आपका तो कोई चीज है नहीं हाँ सर ल, सर लक्ष्मण क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो गए क्या हो गए क्या हाँ वो मैंने आपको बताया तो होंगे मैंने अभी एक सवाल के जवाब में लक्ष्मण जी ये सारा बताया था कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल रियासत है और उसको टूटना बनता है तो अजीज दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट अजीज दोस्तों आपसे एक विनती है आप जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं कि कम से कम एक मेरे लिए आप फेवर कर सकते हैं कि कोई स्पॉन्सर मुझे ढूंढ के दें जो मेरी वीडियोस को स्पॉन्सर करे तो उससे मुझे जरा अपने काम को आगे बढ़ाने में बड़ी आसानी रहेगी और मैं अपने काम को बड़ा प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा सकूंगा तो कोई स्पॉन्सर हो कोई किसी का लोगो लगाना है अपनी वीडियो पे किसी की कोई ऐड चलानी है पंद्रह सेकंड तीस सेकंड की तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं कोई अच्छी प्रोडक्ट को प्रो प्रमोट करना हो तो ये सब कोई अगर अच्छा स्पॉन्सर मिलता है तो प्लीज़ ढूंढ के दीजिएगा थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट Kindly keep supporting.